सप्तम अध्याय। जय माता की जय। मैं मातंगी देवी को ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते के मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर धर्म धारण करती हुए है तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए बिना बजाती है। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं तंत्र ही सुंब की आज्ञा पाकर वे चंड मुंडे आदि दैतो चतुर्गनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र सूचित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय सुरवर्ण के ऊंचे शिखर पर पहुँच कर उन्हें सिर पर बैठे देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्होंने देखकर दैत लोग तत्पश्चात पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अम्बिका उन शत्रुओं को प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनके मुख काला पड़ गया, ललाट में भाव डेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुए, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खटाम धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूखा गया था, केवल हड्डियों को ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ी थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीव लपलपाने के कारण वे और भी ड्रावनी प्रतीक होती थी। उनकी आंखें भीतर की धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी ही भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं के गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों को वध करती हुई वे कालका देवी बड़े विघेष दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबों को भक्षण कर लेगी। वे पासवर रचकों को अंकुशधारी महावतो योद्धाओं और घंटा सहित कितनों ही हाथियों के एक ही हाथ से पकड़ कर मुँह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े रथ और सारथी के साथ रथ के सैन को मुँह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी के गला दबा देती, किसी का पैरों से कुचल डालती और किसी के छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे अस्त्र छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भर कर उनको ही दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों मार भगाया। कोई तलवार घाट उतार गए, कोई खटाम्बरे पीटे गए और कितने ही असुरों दांतों के अग्रवास से कुचल जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों को उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी का और दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों को वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाले देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे ही जान पड़े मानो सूर्य के बहुत तेरे मंडल बादलों को उदर में ही प्रवेश कर रहे हैं हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखो जो सकने वाले दांतों को प्रभाव से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया।
और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवकी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भर कर उसे भी तलवार घायल करके धरती पर सुला दिया। महाप्रकर्मी चंड और मुंडो को मारा गया तो मरने से बची हुई बाकी सेना भय के व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तंत पर काली ने चंड और मुंडो को मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महासुरों को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ को स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यो को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी कहा, देवी तुम चंड और मुंडो को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चंड मुंडे से नाम से तुम्हारा ख्याति होगे। बोल दो दुर्गा माता की। दुर्गा माता की जय। आठवां अध्याय। मैं अनिमा आदि सीधामयी किरणों से आवृत भानवी ध्यान करता हूँ। उनके शरीर रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अंकुश वाणी और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों ने राजा प्रतापी शुंभो मन में बड़ा क्रोध हुआ और उनसे दैत्यों को संपूर्ण सेना के युद्ध के लिए कुछ करने के आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्यो सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कम्बू नाम वाले दैत्यो 84 सेनाएं अपने बाहिने से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के ही और 100 धर्म कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा का सेना सहित कूच करें। कालक दौर्त मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे, शस्त्रों बड़ी बड़े सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुति हुआ। उसकी ही अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश बीच का भाग गुंजा दिया। राजतंत्र देवी के सिंह ने वे बड़े जोर जोर से दहाड़ा आरंभ किया। फिर अमका ने घंटे शब्द से उस धवनियों को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकार सिंह की दहाड़ और घंटों को ध्वनि से संपूर्ण दिशा गूंज उठी। उस भयंकर शब्द काली ने अपने विकराल मुखों और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार भी विजयनी हुई कि उसे तुम नाद को सुनकर दैत्यों सेनाओं चारों ओर से आकर चंडिका देवी के सिंह तथा काली देवी के क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच असुरों को विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा शिव कार्तिक विष्णु तथा इंद्र आदि देवों को शक्तियाँ जो अत्यंत परक्रम और बल से संपन्न थी उनके शरीर से निकल कर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिसे देवता जैसा रूप जैसा वेश भूषा और जैसा वाहन है ठीक वैसा ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले शनियुक्त विमान पर बैठी हुई अच्छुसुत और कमलु सुशोभित ब्रह्मा जी के शक्ति उपस्थित हुई जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेवी जी के शक्ति वृषभर में आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए महानाग कंकण पहने मस्तक चंद्र खय से भूषित हो वहाँ आ पहुँची।
कार्तिकेय जी के शक्ति रूपा जगदम्बा उन्हीं के रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर रूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्य युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु को शक्ति गुरु पर विराजमान हो शंख चक्र गदा शंख धनुष तथा खगड़ हाथ में लिए वहाँ आई। अनुपम यज्ञ वाराह के रूप में धारण करने वाले श्री हरि के जो शक्ति है वह भी वराह शरीर धारण करने के वहाँ उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति से भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहाँ आई। उसकी गर्दने बाल के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्री की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज रावत बैठ कर आई। उसके ही भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही उसका भी था। तत्कंतंत्र उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही यहाँ असुरों को संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्रों के भांति आवाज करने वाली थी। उसे अपराजिता के देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ पास दूत बनकर जाइए और वहां से अत्यंत ग्रीविले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनके भी यहां संदेश दीजिए। दैत्य यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज मिल जाए और देवता यज्ञ भाग में उपभोग करे। यदि बल के घमंडे में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ मेरी सिखवाएं। योगिनी तुम्हारे कच्चे मांस तृप्त हो चुकी है। उस देवी ने भगवान शिव का दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भगवान शिव के मुँह के से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कत्यायनी बिराजमान थी उस ओर बढ़े। तंत्र पर हैं दैत्य आमर्ष भर कर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिदृष्टि आदि अस्त्रो वृद्धि विष्टि करने लगे तथा देवी ने भी खेल खेल में वह धनुष टंकार की और उसे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों को चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसा के को काट डाला। फिर काली उनके ही आगे होकर शत्रुओं को सुल के प्रहार से विंधन करने लगी और खंटवांग से उनका ही कंचुमा निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी ही भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू जल छिड़क कर शत्रुओं को ओझ और परक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल तथा वैष्णवी चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकयनी शक्ति के शक्ति से दैत्यों को संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी सो गए। ब्राही शक्ति कितनों को अपनी ही थूथनों के मार से नष्ट किए किया। डाढ़ों के आग्रवास से कितनों को छाती छेद डाली तथा कितनों को दैत्य उसे चक्र की चोट से विधन होकर गिर पड़े। नरसिंह ने भी दूसरे दूसरों महादैत्यों को अपनी नाखों से विधन करते खाती हु और सिंहनाद से दिशाओं में वह आकाश गुंजाती हुई क्षुत्र त्रेमी के बिचरने लगी। कितने ही असुरो शिवदूत के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृनंग नाना प्रकार के उपयोग से बड़े बड़े असुरों मर्दन करते देख दैत्य का भाग खड़े हुए। मातृगण से प्रीत दैत्यों को युद्ध भागते देखे रक्तबीज का नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने लिए आया। उसे के ही शरीर से जब रक्त के बिंदु बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसकी ही समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था।
महासूर्य रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्रिय ने अपने ही वज्र रक्त बीजों को मारा। वज्र से घायल होने पर उसे ही शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसे ही उसकी समान रूप तथा प्रक्रम योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके ही शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीजे के समान ही बीरबान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों को प्रहार करते हुए वहाँ मृत्युघ्नों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उसने हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी युद्ध में रक्त बीज पर चक्रहा का प्रहार किया तथा इंद्रिय ने उस दैत्य सेनापति का गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त वहां और उसे जो उसकी बराबर आकार वाले शास्त्रों दैत्य प्रकट हुए उनका द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी शक्ति से ब्राह्मी खंकड़ से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य को रक्त बीजों को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों के पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। उस इस प्रकार महादैत्य रक्त के से प्रकट हुए असुर द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं ने उदास देख चंडिका काली ने शीघ्र पूर्वक कहा, चमुंडे तुम अपना ही मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शास्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे ही उत्पन्न होने वाले महादेव तुम अपने ही इस उत्वावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादेव भक्षण करती हुई तुम रन में भी चलते रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं होगा सकेगा। काली से योग कहकर चंडिका देवी ने शूल रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया और तब उसने ही वह चंडिका पर गद्दा से प्रहार किया। किंतु उसे गद्दा पातने से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त के बीजों घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चमुंडा उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो भी महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीजों का रक्त भी पी लिया। तंत्र देवी ने रक्त बीजों को जिसका रक्त चमुंडा पी लिया था वज्रबान खड़क तथा ऋष्टि आदि से मारे डाले राजन। इस प्रकार के शास्त्रों में समुदायकों में आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों को रक्त पाने के मद से ही उदत्त सा होकर नीत करने लगा। बोल दे दुर्गा माता की जय।